प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से अशरफ सहित सात लोगों को राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त मानते हुए छोड़ने का आदेश दिया। वहीं अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। वह कह रहा है कि मुझे एक अधिकारी ने धमकी दी है कि दो हफ्ते बाद किसी भी बहाने से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। मुझ पर लगे आरोप फर्जी हैं। यह मुझे, मेरे परिवार को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से और मेरे भाई को जेल से निकाला गया। अच्छा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। और हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए कि जब मुझे किसी भी वजह से जेल से अगर जेल ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाता है तो वीडियोग्राफी हो और मेरे पसंद का अधिवक्ता मेरे साथ रहे, जो कि कोई नहीं है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से वापस सूरत की साबरमती जेल जा रहे माफिया अतीक के काफिला ने लगभग 4 बजे सुबह झांसी में प्रवेश किया और लगभग आधे घंटे तक वह झांसी की सीमा में रहा। इसके बाद 4:30 पर वह रक्सा टोल प्लाजा से निकलकर शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस के अलावा आधा दर्जन गाड़ियों की सुरक्षा में अतीक की गाड़ी चल रही थी।